तो यहाँ पे हम 2.1 का एक और यहाँ पे 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 8 क्लास का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो 2x/3 = 18, ठीक है, 2x/3 = 18। तो क्या करते हैं, जब कोई नंबर अपॉन में होता है, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोथ साइड बाय 3, ठीक है, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2x/3 और 18 × 3, देखो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, बोथ साइड से ना, 3 का 3 से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2x, यहाँ 18 3 का कितना होगा 54, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ना, x की मल्टीप्लाई में 2 है, तो दोनों तरफ 2 से, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ x। और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 2 = 4, और यहाँ पे 2 7 = 14, तो ये आया 27। तो x = 27, ये आपकी वैल्यू आ गई 7 क्वेश्चन की, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे 8 क्वेश्चन करना है। 8 क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिख लो, 1/5 = 1.6, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिवाइड में है ना, 1.5 दोनों डिवाइड में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1.5 × y/1.5, ठीक है, 1.6 × 1.5। मैंने देखो इक्वल के इस तरफ भी मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 2.4, ठीक है, ये भी आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमारे क्या है, 7x - 9 = 12। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ पहले 9 ऐड कर देते हैं। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि जहाँ पे कुछ मतलब क्या है, पहले जो माइनस हो रहा है तो वही नंबर दोनों तरफ प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, तो है यहाँ पे +9 कर दो, यहाँ पे भी +9 कर दो, ठीक है। दोनों तरफ का मतलब होता है बराबर के इस तरफ भी, बराबर के इस तरफ भी, ठीक है, इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के इस तरफ भी। तो यहाँ पे क्या होगा, 7x यहाँ पे -9 है, +9 है, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 7x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 21। अब यहाँ पे क्या है, x के बिल्कुल साइड में क्या है, 7 है, तो मैंने कहा था जब कुछ साइड में होता तो उसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो इधर भी 7 से डिवाइड कर दो, इधर भी 7 से, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x, और यहाँ पे कितना होगा, 7 3 = 21, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। इस तरीके से ये वाली वैल्यू होगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, y दोनों यहाँ पहले देखो -8 है, दोनों तरफ से क्या है कि हम अब 8 जोड़ देंगे, ठीक है। मैंने कहा ना, जो नंबर माइनस हो रहा होता है दोनों तरफ वही नंबर ऐड कर देते हैं, तो इस तरफ भी 8 को ऐड कर दो, इस तरफ भी 8 को ऐड कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, देखो 14y, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना 21, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में था, x के बगल में 7 है, जो नंबर बगल में होता है उसी से डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे 14 से ही दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, और यहाँ पे कितना होगा, 7 3 = 21, और 7 2 = 14, तो 3/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब अपना 11th क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, वो है हमारा 7 + 6y = 9, ठीक है। तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ 17 + 6p = 9, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, आपने ऐसा कोई क्वेश्चन तो किया नहीं है, आपने एक्स वाई जेड सिर्फ इस तरफ देखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारा 17 ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 17 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 17 को माइनस कर देंगे, और इस तरफ भी 17 को माइनस कर देंगे, यहाँ 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6p बचेगा, यहाँ 17 में से 9 होगा, तो कितना बचेगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 8, ठीक, कौन सा, माइनस का 8, क्योंकि 17 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। अब यहाँ पे क्या है, पी के मल्टीप्लाई में 6 है, तो दोनों तरफ 6 से हम डिवाइड कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल, तो पी बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा, 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो -4/3, ये हमारा आंसर आ जाता है पी की वैल्यू। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
सॉरी 12 क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है हमारा, x अपॉन में 3 यहाँ प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले जो प्लस हो रहा है उसी को दोनों तरफ माइनस करो, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है तो दोनों तरफ क्या करते हैं प्लस को ही माइनस कर देते हैं, इधर से भी 1 माइनस होगा और इधर भी 1 माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x अपॉन में 3। अब यहाँ पे कैसे माइनस करते हैं, पहले इसके नीचे 1 लेट कर लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं, और ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है ना, भिन्न की फॉर्म में आ गई, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 वन जा 7, 15 वन जा 15, और नीचे नीचे वाले से 15 वन जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x अपॉन में 3 है ना, और ये अपना कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस करोगे तो 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 8 अपॉन में 15। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ, अच्छा यहाँ पे माइनस वाला बचेगा क्योंकि 15 बड़ा था, अब दोनों तरफ 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, x अपॉन में 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15, तो 8 अपॉन में 5, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है,